हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जय जानकी स्टडी सेंटर। आज के इस वीडियो में आपको रिजल्ट का प्रतिशत निकालना सिखाएंगे। अगर आप मैट्रिक और इंटर का एग्जाम दे देते हैं और आपको रिजल्ट के समय आपको प्रतिशत निकालना नहीं आता कि कितना परसेंट नंबर आया और कितना पर फर्स्ट डिवीजन और कितना पर सेकेंड डिवीजन आया, तो आज के इस वीडियो में आपको रिजल्ट का प्रतिशत निकालना सिखाएंगे और डिवीजन भी निकालना सिखाएंगे। इसके लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, रिजल्ट प्रतिशत बराबर होता है प्राप्तांक बटा में होता है कुल पूर्णांक। कुल पूर्णांक का गुणे में 100% से गुना कर देंगे। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपको कितना नंबर हम बोले हैं, प्राप्तांक आपको 300 आया, तो फर्स्ट डिवीजन आया, लेकिन परसेंटेज में कितना है वो हम बताएंगे। देखिए, तो यहाँ पर प्राप्तांक मान लीजिए 300 है और कुल पूर्णांक कितना है 500, क्योंकि एग्जाम कितना का दिए है 500 का। इसको हम गुना करेंगे कितना से, 100% से। तो देखिए, यहाँ पर 20 से या 20 कट गया, इसको हम 5 से काटेंगे तो यह 20 बार में कटेगा, 20 × 5 = 100। अब देखिए, 20 त्याग कितना होगा, 60 होगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे 60, यहाँ परसेंट है तो यहाँ परसेंट लगा देंगे, कितना परसेंट आ गया, 60%। यानी हमें 500 में अगर 300 नंबर आ जाएगा तो कौन सा परसेंट होगा, 60% होगा, यानी फर्स्ट डिवीजन होगा। इसके बाद फिर देखिए, अगर आपको यहाँ पे एक एग्जाम कितना का दे रहे हैं, 500 का एग्जाम दे रहा है, उसमें हमें आया कितना है, 225 नंबर आया है, तो यह मेरा कितना होगा, कुल पूर्णांक हो जाएगा। यह जो मेरा कुल पूर्णांक होगा या मेरा क्या होगा, प्राप्तांक होगा। तो हमें निकालना क्या है, रिजल्ट प्रतिशत निकालना है। इसको परसेंट में निकालेंगे, 500 का एग्जाम दिए, 225 नंबर आया, तो इसको प्रतिशत में निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जितना नंबर आएगा उसको ऊपर में लिखेंगे, यानी प्राप्तांक को ऊपर में, कुल पूर्णांक कितना है 500 को नीचे में लिख लेंगे। कितना से गुना कर देंगे हम, 100% से गुना कर देंगे। देखिए, 20 से या 20 कट जाएगा, इसको 5 से काटेंगे, 5 × 4 = 20 × 5 = 25, कितना परसेंट आया, 45%। 0 से 0 कट गया, 5 × 4 = 20 बचेगा, इसमें 2 × 5 कितना, 25 × 5 = 25, कितना हो गया, 45%, यानी 45% हुआ। तो देखिए, यहाँ पर 225 नंबर आया है 500 में, तो हमें परसेंट में कितना आया, 45, यानी हमें कौन सा डिवीजन होगा, सेकेंड डिवीजन। तो अगर 45% नंबर आएगा तो सेकेंड डिवीजन होगा। इसके बाद देखिए, फिर यहाँ मान लीजिए 500 एग्जाम दिए, उसमें हमें आया कितना है, 150 नंबर आया है, 150 नंबर आया तो अभी यह कौन सा डिवीजन होगा, कितना परसेंटेज होगा वह देखिए। तो 150 जो आया है, तो पहले हम 150 को ऊपर में लिखेंगे और 500 के नीचा में, अब परसेंटेज के लिए हम 100% से गुना कर देंगे। यहाँ देखिए, 20 से 20 कट गया, इसको 5 से काटेंगे तो 5 × 3 = 15 × 0 = 0, 30 × 5 = 150 होता है, तो यह कितना परसेंट आ गया, 30% आ गया। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, हम बताए थे 500 में हम कितना नंबर आया, 150 नंबर आया, तो इसको क्या बोलते हैं, हम थर्ड डिवीजन बोलते हैं। इसको परसेंटेज में कितना बोलेंगे, 30%, यानी 30% आपको नंबर आएगा तो वह थर्ड डिवीजन कहलाएगा। अब देखिए, यहाँ पर मान लीजिए कुल पूर्णांक हमें कितना है, कुल पूर्णांक है 500 और इसमें हमें प्राप्तांक कितना है, प्राप्तांक मान लीजिए यहाँ पर है 375, मतलब 500 का एग्जाम दिए, इसमें हमें 375 नंबर आया, तो इसको प्रतिशत में कैसे निकालेंगे। तो प्रतिशत के लिए हम यहाँ पर बताए हैं फॉर्मूला, रिजल्ट प्रतिशत बराबर प्राप्तांक बटा में कुल पूर्णांक गुणे 100%। तो प्राप्तांक हमें कितना है, 375 है, कितना में, 500 में। अब प्रतिशत के लाने के लिए 100% से गुना कर देंगे। अब देखिए, यह 20 से या 20 कट गया, इसको 5 से काटेंगे तो यहाँ पर देखिए, इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 × 7 = 35 होगा, बचेगा इसमें कितना, 2 × 5 = 25 × 5 = 25, कितना आ गया, या 75% आ गया, 75 आ गया, यहाँ परसेंट का यहाँ परसेंट लगा देंगे, 75% आ गया।
हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा, जिससे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे।